हेलो गाइज, नमस्कार। मैं राज, मेरा आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइज, आज इस वीडियो में आपको बताऊँ कि आप अगर आपके इंस्टाग्राम में इंग्लिश सॉन्ग आ रहे हैं तो आप कैसे हिंदी पंजाबी सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है, उसके बाद में इंस्टाग्राम को आपको अपडेट कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने इस ऐप को पहले से ही अपडेट कर लिया था। चलिए हम सिंपली से इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस जो होगा। चलिए दोस्तों, हम अपनी एक स्टोरी को ऐड करते हैं। स्टोरी ऐड करने के लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्टोरी पर क्लिक करना है। स्टोरी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर जो स्टिकर का आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। स्टिकर के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको म्यूज़िक पे क्लिक करना है। म्यूज़िक पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं अभी हमारे पास में इंग्लिश सॉन्ग है, वो ही दिखा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो भी आपको इंग्लिश सॉन्ग ही देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप पंजाबी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पंजाबी सॉन्ग है वो नहीं शो हो रहा है। दोस्तों अगर आप सर्च करेंगे फिर भी आपके पास में पंजाबी सॉन्ग है वो नहीं आएंगे, इसके लिए आपको यहाँ से बैक कर देना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों अब आपको अपने प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है। प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको ऊपर जो थ्री लाइन पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से सेटिंग को सिलेक्ट करना है। सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको नीचे नीचे आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं स्विच अकाउंट टाइप, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको स्विच टू क्रिएटर अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको स्विच पे क्लिक कर देना है। स्विच पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से बैक कर देना है। बैक करने के बाद दोस्तों अब आपको दोबारा से अपनी स्टोरी को ऐड करना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम अभी स्किप पे क्लिक कर देते हैं। स्किप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको अपनी स्टोरी को ऐड करना है, इसके लिए आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से हम गैलरी से एक फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में यहाँ से स्टोरी पे क्लिक करते हैं। स्टोरी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको ऊपर जो स्टिकर का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको म्यूज़िक पे क्लिक करना है। दोस्तों म्यूज़िक पे जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं आपकी इंस्टाग्राम आईडी में हिंदी पंजाबी सॉन्ग शो होने लगे हैं। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे सर्च करके भी आप किसी भी न्यू सॉन्ग को यहाँ पे आप सर्च करके अपनी फ़ोटो में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, चलिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं पंजाबी सॉन्ग। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास में जितने भी पंजाबी सॉन्ग है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक पे क्लिक करके आप अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी हिंदी पंजाबी सॉन्ग अपनी स्टोरी में ऐड कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।